हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गेम जदब। इस बैटल से पहले मैंने अपने सारे पोकेमोन्स के स्टैट को ठीक किया था। कुछ स्टैट्स ना इधर उधर थे तो वो सब भी मैंने सही किया और अपने म्यूटू का स्पेशल अटैक को भाई मैक्स आउट किया, जिसका वजह से भाई इतना ज़्यादा इसका अटैक बढ़ चुका है कि भाई सिंगल अटैक कितना औसम जा रहा है इस गेम में तुम लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं कुछ गेम प्ले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ बात कर सकूँ तुम लोगों से। ये बात है गिव अवे से रिलेटेड, जो कि 8K पे मैं गिव अवे करने वाला हूँ और उन लोगों को गिव अवे करूँगा जो अब तक लॉयल है मेरे साथ, जो भाई अब तक मेरे साथ है, मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं। तो भाई उनमें से किसी को मिलने वाला है एक अच्छा सा एस सर्वर का अकाउंट। तो भाई अब बने रहो, जितना जल्दी हो सके 8K पूरा कर दो। इसका कुछ एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि यार जो लोग डेली वीडियोस मेरे देखते हैं ना, सिर्फ उन लोग को ही मिलने वाला, क्योंकि वो लोग रोज़ देखेंगे। सो अगर तुम लोग नहीं देखते हो या फिर तुम लोग अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम लोग आने वाले तो गिव अवे पे ध्यान दे सको। क्योंकि अब बात रहे कि हम हमारे पोकेमोन्स के स्टैट्स को किस तरह से मैक्स आउट या फिर बढ़ा सकते हैं, तो मैं आगे जाके वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल अभी गेम प्ले पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सामने है उसका भाई खतरनाक सा एक, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम मैं भूल गया, ग्रोडन। हाँ, तो इसके पास बल्क अप स्वॉर्डन्स नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत लोग ना नए नए मूवसेट्स बताते रहते हैं, मैं अलग अलग मूवसेट्स ट्राई करता रहता हूँ और उनमें से कुछ बेस्ट भी निकल आता है। इसी बैटल के दौरान मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि यार स्टिकी वेव से किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि यार उसको मात देना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन कुछ ही नहीं है। तो फिलहाल मेरा भी सामने ग्रोडन है और उसका भी सामने ग्रोडन है। मैं यहाँ पर बल्कअप करूँगा, वो भी बल्कअप कर, लेकिन स्पीड माइनस होने के कारण यहाँ पर थोड़ा डिसएडवांटेज है मेरे को, उसको एडवांटेज है, देख ही रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर मुझे पता था कि थोड़ा सा इतना डैमेज पड़ जाएगा कि मैं थोड़ा सा बच सकता हूँ, तो मैं रेस्ट यूज़ कर लिया ताकि अपना एचपी रिकवर कर सकूँ, और वो अपना अटैक पर अटैक प्रेस किए जा रहा था और ये सही नहीं है। लेकिन मेरा ऑलमोस्ट देख ही रहे हो तुम लोग, मतलब बिना स्टेटस कंडीशन अप किए मेरा अच्छा खासा डैमेज पड़ गया, क्रिटिकल हिट पड़ा था। तो वो अपना जीमो यूज करता है और भाई साहब कितना खराब डैमेज है, कोई बात नहीं है। उसका नॉक ऑफ पड़ा, उसके बाद मेरा होल्ड आइटम जो है वो खराब हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही कम डैमेज पड़ा। मैं अपना ग्रोडन हटाता हूँ, बाद में रेस्ट मार के ठीक कर लूंगा इसे। चलो अब आ जाते हैं स्टेटस कंडीशन की तरफ कि मैंने कैसे अपना स्टेटस कंडीशन ठीक किया। भाई सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि SS जो होता है हमारे पोकेमोन्स का, उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय R2, मेकिंग योर पोकेमोन R2, ठीक है। वो लेजेंडरी क्वेस्ट से ही तुम लोग कंप्लीट कर पाओगे। अगर सनमून वाले सोच रहे कि कर सकते हैं वो लोग, तो भाई ऐसे नहीं कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि R2 जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेजेंडरी क्वेस्ट से हम लोग को रेशियल वैल्यूज़ मिलते हैं और SSR पोकेमोन को शायद थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, मेरे ख्याल से 35-45 समथिंग, मैंने देखा नहीं, अभी देख लूँगा। तो सामने तुम लोग देख रहे हो कि मेरा जो स्पेशल अटैक है म्यूटू का, वो मैक्स हो चुका, उससे ऊपर जा नहीं रहा। मैं सोचा था कि और थोड़े 25 थे मेरे पास, तो मैं स्पेशल अटैक फुल्ली मैक्स ही कर लेता हूँ, वहाँ सटा देता हूँ, पूरा फुल कर लेता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा था। तो स्पीड मैंने जो की है इंक्रीज़ कर लिया, तो 10 अवेलेबल बचे हुए और 170, मैं देखना स्पीड कितना हो जाएगा, 173। इससे पहले तुम लोगों ने देखा था ना, देख लेना, तो 174 थी, एक और बचे हुए हैं, ठीक है भाई साहब, ऑलमोस्ट 16K, चलो 16K प्लस हो चुका है मेरा यहाँ म्यूटू का स्पीड और ऑलमोस्ट 24K। भाई देखो यहाँ पे एक चीज़, तुम लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हो कि स्पेशल अटैक एंड अटैक दोनों टाइप के पोकेमोन तुम यूज़ करते हो इसलिए तुम्हारा अटैक कम होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ पोकेमोन्स के स्पेशल डिफेंस और डिफेंस, इन दोनों में ना कोई दिक्कत होती है। मेरा मतलब ये है कि अक्सर किसी के टीम में कोई एक ऐसा, बहुत सारे ऐसे पोकेमोन्स होते हैं जिसका डिफेंस अच्छा होता है, किसी का एस डिफेंस माइनस होता है, मतलब माइनस बोल रहा हूँ, मतलब ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे उसी का एडवांटेज उठाते हुए मैं अपने पोकेमोन्स को यूज़ कर सकता हूँ, अगर तुम एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो, क्योंकि तुम्हें सारे पोकेमोन्स के SS के बारे में मालूम होना चाहिए और मुझे ऑलमोस्ट मालूम है, और इस तरह से मैं ही अब यहाँ पर भी फिलहाल बैटल करता हूँ। हाँ, इसके वजह से मुझे कभी कभी परेशानी हो जाती है, लेकिन खेलते खेलते एक्सपीरियंस और बढ़ेगा, उसके बाद और भी ज़्यादा मैं एक्यूरेट हो जाऊंगा इन सब के मामलों में। और अगर मैं अपने सारे पोकेमोन्स को, जैसे कि देखो माउली एक फिजिकल अटैक टाइप पोकेमोन है, इसे मैं अवेकन, ऑफ कोर्स इसको अवेकन भी कर सकता हूं, क्योंकि इसको अवेकन करना इजी होगा, तुम लोग जैसे पता ग्रास में अवेलेबल है। और कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि न्यू पोकेमोन्स रख लो, लाइक अलॉय, क्या बोलते उसको, अरे अलॉय सीजर नहीं था, अरे यार
क्या नाम भूल गया मैं इसका, अलॉय डियोक्सिस, हाँ अलॉय डियोक्सिस रख लो। डू न्यू पोकेमोन रखने से अच्छा जो पोकेमोन मेरे पास है उस पर अगर अच्छे से मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उसे अच्छे ट्रेंड करता हूँ, तो भाई वो कैसा रहेगा तुम ही बताओ, बेस्ट होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ही अपने माउली को आर सेवन कर दूँ तो भाई ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा न्यू पोकेमोन को रखने से अच्छा, क्योंकि अपने टीम को बेटर बनाओ। तो भाई मैंने अपने लुकारियो के एसएस को अभी रीसेट किया है और 25 रेसिल वैल्यूज़ है मेरे पास, तो इससे मैं इसका स्पेशल अटैक को ना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैक्स हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो 179 हो चुका, अभी भी 18 स्टैट्स है तो बहुत हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, मैक्स हो जाएगा ये, हाँ मैक्स आउट तक हो ही जाएगा ये भी। उसके बाद मैं इसे स्पीड नहीं, वेव गाइड जैसा मूव है मेरे पास तो स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है मुझे अभी। तो देखो 188 है मेरे ख्याल से, मैक्स हो गया ये, नहीं हुआ, ओह मुझे लगा तो हो गया 188। भाई डिफेंस वुफेंस थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे लुकारियों का डिफेंस उतना ही रहे जितना एज डिफेंस है, तो 97 मैंने कर दिया, जो बाकी बचे हुए हैं सब स्पेशल अटैक पे मैं खर्च कर देता हूँ। एक का दो का भी फर्क हुआ कोई बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा डिफेंस भी सही रहेगा अटैक भी सही रहेगा। तो 21K यहाँ है, 24K वहाँ है। भाई एक बात बताऊँ, बाद में मैंने रिसेट किया था, अब पूरा का पूरा मैंने रेसिल वैल्यू ना स्पेशल अटैक पे ही दे दिया था अपने लुकारियों का, तो डिफेंस वगैरह तब ना काम आएगा जब सामने वाला बंदा तुम्हें मारेगा। आखिर वेव गाइड किस काम का? सो मैं यहाँ पे एक और चीज़ भूल गया हूँ कि शायद मैंने कुछ और पोकेमोन के रेसियल वैल्यूज ना छोड़ दिए हुए, जो लेजेंडरी क्वेस्ट से मैंने अभी भी जस्ट पूरे किए हुए थे, ठीक है। मुझे लगा कि मेरा चार्जर्ड का जो स्पेशल अटैक है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, मैक्स है था पूरा एकदम, दैट्स व्हाई 22 ही है उसका उसका पावर। ऑफकोर्स स्पेशल अटैक एंड फिजिकल अटैक में बटा हुआ मेरा रीम्स, दैट्स व्हाई थोड़ा सा इधर उधर का फासला तुम लोग का देखने को मिलेगा। चलो बैटल स्टार्ट हो चुकी हुई है, और जैसा मैंने छोड़ा था वहाँ से बैटल स्टार्ट है, और सामने वाला बंदा अच्छा खासा अटैक पे अटैक किया जा रहा है, तो मैं डिफेंस के लिए अपना एक पोकेमोन ले आता हूँ, यहाँ रॉड यूज़ करूँगा इसे हटाऊंगा, लेकिन लैंड ऑफ ऑरिजिन मैंने यहाँ पे मेटल ब्रश यूज़ किया हुआ था, मुझे पता था वो कोई अटैकिंग, मुझे लगा था अर्थक्वेक यूज़ करेगा वो, लेकिन लैंड ऑफ ऑरिजिन यूज़ किया, अच्छा खासा डैमेज पड़ा, वो मारा गया। दूसरा देखते हैं कौन सा पोकेमोन आने वाला है। भाई म्यूट का इंतजार करो, बहुत मज़ा आने वाला है, और स्टिकी वेब तो लगा हुआ ही है, तो बहुत ही गुस्सा आता सच बता रहा हूँ स्टिकी वेब से। अच्छा डार्क वॉइड होगा ही, सब लोग डार्क वॉइड यूज़ करते ही हैं, और मुझे ये नहीं पता इसके पास एबिलिटी कौन सा होगा, मेरे ख्याल से बैड ड्रीम तो नहीं होना चाहिए, अनअवी होना चाहिए, हाँ अनअवी, लेकिन अनअव तो एक्स पे होता है, तो ये अनअव नहीं रखा होगा, क्योंकि एक्स के पास जाके फिर वहाँ से रिसेट करना पड़ेगा, फिर डार्क फायर बनाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो देखते क्या इसके पास वो 10% वाला एबिलिटी, अभी हर एबिलिटी पे क्या लटक गए हम, यहाँ बैटल वा पे ध्यान दे दो, स्पीड वा माइनस है ना हमारा, उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ब्रो। तो इसका नाम का है माजिन बू, यार मेरा जो है जी मूव हो गया वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे और अटैक कर नहीं सकता मैं, काउंटर बैक कर देगा वो, और मेरा बैंट बच जाएगा, तो मैं अब निकालता हूँ अपना म्यूटू, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि इसका कोई ऐसा पोकेमोन नहीं है जो मुझे रोक सके। और देखो स्पीड माइनस के कारण ना यहाँ पे क्या होता है, देखो मुझे ट्रिक रूम का ट्रिक जो तुम्हें बताना है वो मैं बता रहा था, स्टिकी वेब के अगेंस्ट तुम लोग यूज़ कर सकते हो, जब भी कोई बंदा अगर स्पीड वाला हो और तुम्हारे पास ट्रिक रूम रखा हुआ है जल्दी से यूज़ कर लो, उसके बाद कोई ऐसा पोकेमोन निकालो जिससे तुम वन शॉट किल कर सकते हो उसे, या फिर उसका जी मूव इतना पावरफुल है कि ख़त्म कर सकते हो, तो तुम ही सबसे पहले अटैक करोगे स्टिकी वेब और कोई भी स्पीड वाला माइनस, या सामने कोई भी स्पीड वाला बंदा रहेगा ना पोकेमोन भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्या होता है यहाँ पे वो जी मूव यूज़ करता है मुझे पता चल जाता है, और यहाँ पे बस एक बार झेलने का डिफेंस हो मेरे पास, बस मैंने झेल लिया, अब मैं इसे ख़त्म ही कर दूंगा भाई, वन शॉट किल, ये मजा आ गया, स्पीड मेरा माइनस था दैट्स व्हाई वो मुझ पे जी मूव यूज कर पाता है, नहीं तो मैं ही खत्म कर देता उसे। या डूड ये तो मैं नहीं कह सकता कि मेरा म्यूटू का स्पीड ज्यादा डार्क राय के इसके, क्योंकि डार्क राय का ऑफकोर्स बहुत ज्यादा होता है, उसके पास लेफ्ट ओवर होता है वो स्पीड वाला ही होता है, और यहाँ पे मुझे पता था कि भाई ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं पता नहीं सस्ता नशा करके बैठ गया था, मैंने प्रोटेक्ट वहाँ पे यूज कर लिया, किस हिसाब से मैंने प्रोटेक्ट यूज किया पता नहीं। कोई बात नहीं है, यहाँ पर वेव गाइड अभी पड़ा हुआ मेरे से, वन शॉट में ख़त्म तो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रखेगा नहीं, आई नो ये पक्का कोई गैंगर वगैरह निकालेगा, निकाला मैं, और मैंने भी अपना कहाँ वेव गाइड मिस होने दिया, क्योंकि मैंने नेस्टी प्लॉट यूज़ किया था, मैं भी थोड़ा चला गया यार। तो नेस्टी प्लॉट यूज़ करने के बाद एक जिमू मेरे पास पड़ा हुआ है, एक थोड़ा सा अटैक दे दूँ उनसे, यार नॉक ऑफ पड़ गया उसका, थोड़ा लेफ्ट ओवर में प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं है, जिमू पड़ा हुआ है और ये झेल नहीं पाएगा मुझे अच्छे से पता है, टॉन्ट का कोई फ़ायदा नहीं ब्रो, ख़त्म।
चलो बहुत अच्छी बात है, और देखते हैं दूसरा पोकेमोन कौन सा आता है। इसके कुछ ऐसे पोकेमोन अभी भी बचे हुए हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं, लाइक ये अगर इसका जीमूव मेरे को इसका सॉरी अवेकन टू नहीं था, ऊपर से होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेव गाइड मेरे पास है, स्पीड का कोई फायदा नहीं होता। और यहाँ पर सबसे बेस्ट पोकेमोन मैंने अपने लुकारियों को बचा के रखा हुआ था जो कि अभी बहुत फ़ायदा दे रहा था, तो अब देख ही सकते हो तुम लोग उसका कुछ भी काम करने वाला नहीं है। उसका इज़ुआना ड्रॉप मुझ पर पड़ गया जीमूव और कोई फ़ायदा नहीं, मैं ही जीत जाता हूँ यहाँ पर। वही बहुत अच्छा लगा तुमसे फाइट करके, मिलते इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो पे, तो शुक्रिया, थैंक यू।